बिलासपुर जिले के कुहमझवाड़ पंचायत के भगोट गांव में बादल फटने से वीरवार आधी रात बड़ी तबाही मची। घटना की सूचना मिलने के बाद एसडीएम घुमारवीं राजीव कुमार और पुलिस के अधिकारी कर्मचारी मौके पर पहुंचे। एसडीएम राजीव ठाकुर ने बताया कि कुल मिलाकर इन सभी परिवारों का अनुमानित नुकसान 40 लाख रुपए का हुआ है। वही मुझे इसकी जानकारी मिली और मैं खुद ही स्पॉट पे पहुंचा। थोड़ा सा यहाँ के रोड ब्लॉक थे और मौके पे आकर के देखा कि यहाँ पे काफ़ी बारिश हुई है। एक किस्म से बादल ही फटा है और जिससे कि काफ़ी पानी आया हुआ, जिससे लोगों के 3 परिवारों के जो है वो गौशाला और पशु बह गए हुए हैं और मकानों को भी नुकसान पहुँचा हुआ है और साथ ही साथ लगती जो नाले के साथ लोगों की उपजाऊ जमीन है उसको भी नुकसान पहुंचा हुआ है। इसमें 3 परिवारों की कम से कम 10 बकरियां और 3 भैंसें इस क्लाउडबर्स्ट में बह गई हैं और इसमें मौके पे जाकर के पीड़ित परिवारों को फौरी राहत के तौर के ऊपर अभी दोनों को 20-20 हज़ार और एक को 10 हज़ार रुपये दिए हैं। मैं मौके पे खुद हूँ, लाइफ तहसीलदार हर लोग यहाँ पे मौके पे खुद हैं और बाकी इनकी क्योंकि मकान में भी खतरा है कि कहीं रात को रहना सुरक्षित नहीं है तो इनकी व्यवस्था कर रहे हैं कि कहीं सुरक्षित जगह पे इनकी व्यवस्था की जाए। साथ ही जो पशु उनके दबे हुए हैं उनको निकालने के लिए भी लोग भी मदद कर रहे हैं। साथ में होमगार्ड वालों को भी अभी कहा है यहाँ पे, क्योंकि जेसीबी आना यहाँ तक रास्ता नहीं है, रोड नहीं है, जेसीबी लाना थोड़ा सा बहुत मुश्किल है, यहाँ पहुँच नहीं पाएगी। फिर भी कोशिश कर रहे हैं कि ऊपर वाले रास्ते से कहीं अगर जेसीबी आ जाए तो उसकी हेल्प से भी जो मलबों को हटाया जाए।